प्रणाम, हम छी मोनालिसा और आइ हम बनाबे जा रहल छी बहुत ही आसान नाश्ता और झटपट में बनि जेतने। तो एकरा कहै छी हम सब मिनी सूजी डोसा। तो देखियो एक लागि हम लेने छी पहले सूजी जे कि 400 ग्राम लेने छी सूजी और दही चाही और ई लेने छी हम उसनल आलू जे कि डोसा के बीच में जे मसाला रहै छै ओइसे ओइके लागि हम ई तैयार करबे एकर चोखा। और ई लेने छी हम चटनी के लागि टमाटर। तो एमे से एकटा टमाटर हम आलू के चोखा में रखबै और ई हरा मिर्चाइ छै चारटा, एकटा नमहर प्याज काटि लेने छी और ई दूगो जावा लहसुन के छील के राख लेने छी आ ई एतेक आदि दूटा टुकड़ा आदि के छील लेने छी। आ ई सरसों चाही आ ई नमक स्वाद अनुसार लेबै, अहाँ अपना हिसाब से क्वांटिटी लऽ सकै छी जते बनाबे के छै ओहि हिसाब से। एहिमे ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं चाहिए तो बहुत झटपट में बन जाए। चलो चलो और शुरू करे एक बर्तन में सूजी राख ले। सूजी के कनिक देर फूलते ताले हम बाकी के तैयारी कर लेते। तो चलते पहले सूजी के एक हम एतेक दही देवे जे कि साना मात्र जाए बढ़िया से। अभी यहाँ के सूजी पर भी निर्भर करे छे कि कोनो कोनो सूजी बहुते मोटा रहे छे। ये देखियो एना हम दही राख कर साइन लेने से, आप बेसी दही नहीं देवे नहीं खट्टा भी भऽ जेतै। आब एकरा पानी राख के बढ़िया बैटर तैयार कर देबे। हम एहिमे नमक नहीं डाले छे, अहाँ सबके इच्छा होय तो डाल सकै छी नमक कनिका राख सकै छी। तब एकरा अच्छा से मिला लेबे। ये देखियो ये हम पानी राख के एहन घोल तैयार कर लेने छी। ई कनिक फूलतै सूजी जे छै से पानी के सोखतै, ये कनिक फूलतै तऽ एकरा कनिक देर हम झाँपि के छोड़ दै छी ताले हम चोखा आ चटनी तैयार करी। ई अब कढ़ाही गरम भऽ गेल छै तऽ एहिमे हम तेल राखि देबै। तऽ हम सरसों के तेल राखि रहल छी, एहिमे चोखा के कनिका भुजि लेबै। तेल गरम भऽ गेल छै तऽ एहिमे हम ई सरसों रखबै। ई सरसों एहिमे रखै छी कियाकि एहिमे बहुत बढ़िया टेस्ट अबै छै। कनिक चटनी में रखबै, कनिक कनिक पाके दै छी सरसों के। एहिमे देखियौ सरसों पाकि गेल, एहिमे हरियर मिरचाइ राखि देबै, दूटा मिरचाइ हम काटि के एहिमे राखि लेलहुँ। आ ई कनिक साथे आदी लहसुन देबै आओर कनिक चटनी के लागि राखबै। ओकरा कनिक देर हमसब भुजबै। ई देखियौ आदी लहसुन के बेसी नहि भुजै के छै कियाकि अगर ज्यादा फेर भुजा देतै तऽ टेस्ट आसानी हेतै। कनिके भुजबै। आ ई प्याज दऽ देबै। अभी अखन हम आँच के तेज कऽ देने छौँ, तऽ तेज आँच मे ई प्याज के लाल में धर फ्राई कर लू, भुजि लेबै। ई देखियौ लाल भऽ गेल छै प्याज। तब ओहिमे ई एकटा जे हम टमाटर काटि लेने छी से राखि देबै कनिक देर, एकरो भुजबै कनिक देर, ओकर बाद हम चोखा एहिमे राखि लेबै। ई टमाटर के हमसब ज्यादा नहि भुजबै, ई दू तीन बेर लारि लेलहुँ चला देलहुँ भऽ गेलै। आब एहिमे हम चोखा राखि देबै। आ चोखामे हम आलूमे पहिले ही नून राखि के चोखा बना लेने छी, तब खाली एकरा मिला के हम निकालि लेबै। ई देखियौ चोखा तैयार भऽ गेल छै। अब हम इहे कढ़ाहीमे गरमे छै कढ़ाही, तऽ एहिमे तेल राखि लेबै कनिक दू चम्मच जते, एहिमे चटनी के लागि सरसों राखि देबै, सरसों के पाके देबै। ई सरसों पाकि गेल छै तऽ एहिमे हम दूटा मिरचाइ, बहुत तीखा मिरचाइ छै तै चलते हम कमे लेलहुँ, आ अपना टेस्ट हिसाबसँ लऽ सकै छी। आ ई आदि लहसुन भी एहिमे राखि के कनिक देर भुजि लेबै। ई भऽ गेल छै आदि लहसुन मिरचाइ, तऽ एहिमे टमाटर हम ई सौँसे चारिटा टमाटर राखि देलहुँ हँ, कनिक देर भुजबै आओर एकरा सेरा के चटनी पीस लेबै। ई देखियौ टमाटर के भी ज्यादा नहि भुजै छै, देखियौ कि कनिका लाल भऽ गेल छै आओर छिलका जे रहल उसका साथ भऽ गेल छै, आओर एकरा हम सेरा के चटनी पीस लेबै। तैयार भऽ गेल, देखियौ बैटर भऽ गेल छै, लेकिन एहिमे ई मोट छै कनिक, तऽ कनिक पानि रखबै और अच्छा से मिला लेबै। देखियौ तैयार भऽ गेल छै। एहने घोल रखबै, ई बेसी मोटो नहि आ पातरो नहि, लेकिन एना बहुत बढ़िया से एहन रखबै। सूजी छै तैसँ, आब चलू हम बना लै छी। ई देखियौ पैन गरम भऽ गेल छै, तब हम सब मिनी डोसा बना लै छी। तऽ एहिमे कनिका घी राखि देबै, ओना नॉन स्टिक छै तऽ जरूरी नहि छै, लेकिन एहिसँ टेस्ट बहुत नीक आबै छै। गरम भऽ गेल छै तऽ हमसब आँचके कम कऽ देबै, गैसके एकदम कम कऽ देबै। तहन एहिमे ई लेबै एना कर सकते हल्का एकरा
फैला देबे चारों तरफ। अब हम सब गैस के आँच तेज कर देबे आ एक मिनट जेते हाई तेज आँच में रह देबे। अब हम आँच के कम कर देबे, तेज आँच पर कनी देर राखि देने छली, अब आँच के कम कर देबे आ फिर कनिका देर पके देबे। ई देखियो अभी लाल भ गेल छै तऽ कमे आँच में हम सब आब रखबे अखन। और ई बढ़िया से निक से आलू के चोखा एको राखि देबे। देखियो ई भ गेल छै, देखियो आँच के भी तेज कर देबे चोखा राखला के बाद में। और एना मोड़ लेबे, कम आँच कैला के कहने छलो कि ये सूजी के जे मिनी डोसा हमसब बनबे छी तऽ एहिमे ई ज्यादा क्रिस्पी नहि होइ छै, तऽ एकरा क्रिस्पी करे के लेल कम आँच कर देलिए। आब बहुत बढ़िया है, देखियो कते नीक कलर आयल छै, बहुत नीक और खाए में एते टेस्टी लगे छै। ई अब हमसब सर्व कर लेबे, अब एकरा निकाल लेबे। देखियो एना सब मिनी डोसा हमसब बना लेबे, ई हम तीन चारटा बना लेने छौ, अब हम सर्व करबे। तैयार छै नाश्ता, देखियो टेस्टी यम्मी और जल्दिए बनि जाइ छै। तो उम्मीद छै कि अपने सबके पसंद आय रहतै ई हमर रेसिपी, इंस्टेंट डोसा मिनी डोसा के रेसिपी। तऽ प्लीज हमर चैनल के सब्सक्राइब करू, वीडियो के लाइक करू। थैंक यू।